राजस्थान की राजनीति को अपने आप को बड़े बड़े समाज से भी कहने वाले, उनके मुंह पे तमाचा मारने वाला, राजस्थान की जो पुलिस प्रशासन है, जो शासन है, जो बैठे जो शासन में जो लोग हैं, उनके मुंह पे करारा तमाचा मार देने वाला है। ये मुद्दा मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो मेरे समस्त साथियों, एक बार पुनः मैं अनुरोध करूंगा आप सभी साथियों से, आप सभी साथी लाइव जुड़ जाएं, ताकि मैं अपनी बात रखूं आप सभी के सामने। एक बार अधिक से अधिक साथी जुड़ने का प्रयास करें, और इस लाइव वीडियो को अपने ग्रुप, जितने भी आपके जो ग्रुप्स हैं फेसबुक, उसके अंदर आप शेयर करने का काम करें। इतना सा मेरा आप सभी से विनती है, अनुरोध है मेरा। राजकुमार, साथियों, कल की जो घटना आपने सभी ने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप सभी ने सुनी, देखी, कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो अमानवीय घटना जो राजस्थान के अंदर, जिला नागौर के अंदर जो घटना घटी, उस घटना को लेकर के जो एक मानवता को हिला दिया, शर्मसार कर दिया, बड़ा दुख हुआ। तो साथियों, कुछ उसमें आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, और अभी भी उस मामले के अंदर कार्यवाही जारी है, और जल्द ही हम राजस्थान प्रशासन से, हमारा यही एक अनुरोध है कि जल्द से जल्द पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करें, और जो आरोपी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। साथियों, शेयर करते रहें इस वीडियो को। मैं राजस्थान के दौसा जिले की एक घटना बता रहा हूं आपको। मैं 26 जनवरी का यह मामला है, राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट, दौसा जिले की घटना है साथियों, सिकराय विधानसभा क्षेत्र की। दौसा जिले के सिकराय विधानसभा क्षेत्र की यह घटना है। थाना जो लगता है मानपुर थाना है, गांव जगसायपुरा। आप सभी के सामने ये जगसायपुरा जो गांव का जो मामला है, आप सभी के सामने आया होगा, सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, और काफी हद तक ये मामला चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, कि जगसायपुरा एक मामला घटा है जहां न्याय नहीं मिल रहा, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा, बड़े शर्म की बात है। मैं मुद्दा बताना चाहूंगा, हमारे बीच में भाई राजकुमार जी बैठे हैं, उसी जगसायपुरा, उसी ग्रामीण, उसी क्षेत्र से पीड़ित है। 26 जनवरी को मुकदमा दर्ज हुआ है साथियों। अब मुकदमा मैं आपको बताता हूं किस चीज को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। साथियों, मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा, जो आज हम जिस घटना को आपको बताने जा रहे हैं, वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। वो कैसे? आपने जो कल की जो घटना थी, वो कुछ लोग जो दरिंदे, जिनको मैं अनपढ़ भी बोल सकता हूं, और जिसको मैं, जिसके अंदर मानव धर्म उससे भी नीचे, मानव धर्म को खत्म करके उन्होंने ये कांड करने वाले लोग थे, जिसको हमारे लोगों ने प्रदर्शन करने का काम करे सोशल मीडिया के माध्यम से उनको, और जो वहां के जो प्रेजेंट में जो एमएलए है और जो राज्यसभा सांसद है, उन लोगों ने भी राजनीति करने का काम किया। ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, इस देश के अंदर कहते हैं कि वकील, डॉक्टर, ये सारे, और वकील के बाद आप सबसे जो बढ़िया चीज है उसको बोलते हैं मास्टर। चीज का मतलब है, जो मास्टर होते हैं, जो भारत देश को अगर कोई विकसित कर सकता है, वो है मास्टर, वो है मास्टर। और उस मास्टर ने सिकराई के अंदर जो कांड किया है, जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया है, जो जातिवाद किया है, वो आज हम आपके सामने बताना चाहते हैं। लेकिन वो अब हम आपके सामने इसलिए बताना चाहते हैं, ये पीड़ित है, इसको न्याय जरूर मिलेगा, अगर हमारी एकता रही जरूर मिलेगा। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, एक मास्टर होकर जिसने ये जातिवाद का काम किया है, जाने भारत देश के अंदर कितने कितने स्कूलों में ऐसा कांड होता होगा, लेकिन ये मनुवादी मीडिया दिखाने का काम नहीं करती, मनुवादी मीडिया दिखाने का काम नहीं करती। ये मीडिया अगर है, आज हमारा कोई है, वो है सोशल मीडिया। तो आप सभी से अनुरोध है, आपके सामने एक ऑप्शन है, शेयर टू ग्रुप, शेयर टू ग्रुप। अगर आप इंसान हो, आप इंसानी हो, मानव हो,
ठीक है, लेकिन आप लोगों का भी एक दायित्व बनता है शेयर टू ग्रुप करें, ताकि ये आवाज पूरे भारत तक जाए, पूरे भारत तक जाए और भारत नहीं पूरे विश्व में जाए, ताकि पूरे विश्व को पता चल सके कि मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना है ये भारत में क्यों हो रही है, जो हिटलर ने भी ऐसा काम नहीं किया था जो इस देश के अंदर हो रहा है, इस देश के अंदर हो रहा है। क्यों, आखिर क्यों? सम्मानित साथियों, शेयर करने का काम करें। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के दौसा जिले की जो घटना है सिकराय विधानसभा क्षेत्र की, मुद्दा बड़ा ही गंभीर है। वहां के जो मैंने आपको मानपुर थाना क्षेत्र का जो गांव बताया मैंने, जगसायपुरा जो गांव है सिकराय विधानसभा क्षेत्र, वहां की एमएलए ममता भूपेश जी राजस्थान की एकमात्र महिला मंत्री, महिला व बाल विकास मंत्री, एकमात्र महिला मंत्री है जो कि महिला व बाल विकास मंत्री राजस्थान की, उसी विधानसभा क्षेत्र की, उनके नाक के नीचे यह घटना घटित हुई, पीड़ित हमारे बीच में है। साथियों, 26 जनवरी से लेकर के अब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिला, हर प्रकार से इस पीड़ित के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। मेरे पास भाई का फोन आया, कुछ लोगों का मैसेज आया, आज भाई मेरे पास आया और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरी फेसबुक आईडी के माध्यम से आप सभी के बीच में इस मुद्दे को रख रहा हूं, इस मुद्दे को मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। जो पीड़ित, जो भाई राजकुमार आपके बीच में है, यह अपनी बात रखेगा और जो घटनाक्रम, जिस प्रकार से जो घटना घटी है, मानपुर थाने के अंदर मुकदमा दर्ज है। साथियों, मानपुर जो थाना है, पुलिस थाना है, उस थाने के अंदर मामला दर्ज है, 26 तारीख की घटना है, अब तक न्याय नहीं मिला। हम आजाद भारत देश के अंदर रहते हैं, 70-75 साल देश को आजाद हुए हो गए, लेकिन जातिवादी मानसिकता आज भी हमारे लोगों के अंदर है। जो ब्राह्मणवादी और ये मनुवादी, इनकी जो मानसिकता, इनकी जो साइकोलॉजी है, आज भी वही नीच हरकत उनकी, उन्हीं वही नीच सोच है और उनकी हरकतें भी वही नीच की नीच है। भाई पीड़ित राजकुमार आप सभी के सामने है और अपनी जो बात है वह बात आप सभी के सामने रखेगा। तो भाई राजकुमार जी, आप थोड़ा सा आगे जाइए। शुरू से लेके अंत तक का आपके बीच, आपके साथ क्या घटा, स्कूल में क्या चल रहा है, आप अपना पूरा परिचय आप दीजिए। 26 जनवरी को जो क्या जो भी पूरा मामला है वो पूरा मामला दीजिए। 26 तारीख को मैं वहां पे पहुंचा सुबह। कहां पहुंचे? स्कूल पूरा बोलिए। स्कूल के अंदर पहुंचा 26 तारीख को। इधर देख के बोलिए आप। 26 तारीख को स्कूल के अंदर पहुंचा तो वहां पे क्या नाम है, ऐसे मीटिंग चल रही थी, तो रामकेश जी हैं, तो क्या नाम है, पुरस्कार दिए बच्चों को देने के लिए लेके गया था, तो इसको क्या नाम है, इन्हें वो क्या नाम है, हेडमास्टर हैं जो, इसने क्या नाम है, इन्हें माइक दिया, बोलने का अधिकार दिया, तो इसने क्या नाम है, इनसे सवाल किया, ये ऐसे क्या नाम, बच्चों से लैटरिन वैटरिन सफाई क्यों कराते हो, झाड़ू क्यों लगवाते हो इनसे बच्चों से, बल्कि इनके ऊपर थट गया वो गाँव वाले, बल्कि बामण वामण ये इसके ऊपर थट गए सब के सब, बल्कि मारने के लिए थट गए थे सब के सब। फिर उसके बाद, इसके बाद में क्या नाम है, और जो टीचर ने किस प्रकार दुर्व्यवहार किया बच्चों के साथ, जब वो खाना खिलाते थे, पानी पीते थे, उसके साथ क्या हुआ? बच्चों को खाना खिलाते थे, ऊपर से खाना देते थे, जैसे अपने कोई बच्चा खाना के हाथ लगा दे, कोई चीज का हाथ लगा दे, चावल का हाथ लगा दिया, चावल को 10 किलो चावल को उठा के फेंक दिया मिट्टी में। अच्छा, अगर जो जो मतलब चमार आडे सब कहते हैं ये लोग, मतलब कि एक टीचर ये बात करे कि तुमने हाथ लगा दिया चावल के, तो उस चावल के को ही बाहर फेंक दिया, बाहर फेंक दिया सी। साथियों देख रहे हो, ये भाई ने ये कहा है कि चावल के हाथ लगा दिया, एक ऐसे समाज के लड़के ने चावल के हाथ लगा दिया, पूरे चावल को उठा के बाहर फेंक दिया। समझ सकते हो किस प्रकार मानसिकता है। और फिर एक बार मैं पूरा एक बार वापिस सभी साथियों को मैं अवगत करा देता हूं इस बात से। साथियों शेयर करने का काम करें। राजस्थान के दौसा जिले की घटना है सिकराय विधानसभा, जहां से विधायक और महिला बाल विकास मंत्री राजस्थान की ममता भूपेश की नाक के नीचे जातिवाद खुलेआम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर जो जातिवाद का जो तांडव उनकी नाक के नीचे हो रहा है,
और ममता भूपेश जी के पास जाने के बाद उनके जो कड़वे जो वचन वो भी बताऊंगा मैं आप सभी को, लेकिन शेयर करने का काम जारी रखिए। हर एक व्यक्ति तक ये बात पहुंचनी चाहिए, राजस्थान नहीं पूरे देश तक बात ये बात पहुंचनी चाहिए कि आखिर किस तरीके से हमारे देश के अंदर जातिवाद है। हम कहते हैं सोने की चिड़िया, ना सोने की चिड़िया नहीं, हमारा देश गर्त में जा रहा है, बहुत गर्त में जा रहा है। हम देश को उभारने का काम नहीं कर रहे, हम देश को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर ऐसे जो नेता जो पैदा हो गए, जो केवल अपनी राजनीतिक जो कुर्सियों के लिए, अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए, उस लालच के तौर पर समाज से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो घटना जो भी भाई है आपके सामने जो रख रहे हैं, तो समझ साथी मेरे पूरा अनुरोध करता हूं आप सभी इस लाइव वीडियो को शेयर करने का काम करें। और आप बता रहे थे कि जब वो पानी पिलाते हैं जिस जग से, तो जग से ऐसी समाज के बच्चों ने हाथ लगा दिया, तब उन्होंने टीचरों ने क्या किया ये बताओ आप। वे क्या नाम है, 11 पर दंड रख रखा, जैसे कोई हाथ लगा दिया 11 पर दंड है इसके ऊपर, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या नाम है, बच्चों को पीटते भी हैं, गाली भी काटते हैं बच्चों से, जैसे लैटरिन सफाई नहीं करते वैसे बच्चों को पीटते हैं, डांटते हैं, धमकाते हैं। आप समझ रहे हो कि 11 रुपए जुर्माना अगर एक ऐसी समाज के बच्चे ने अगर हाथ लगा दिया तो 11 रुपए जुर्माना, और वही स्वर्ण कास्ट का, मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा, अगर वो लगा सकता है, लेकिन 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन ये व्यवस्था आज भी, ये बता रहे हैं भाई साहब ये कैसी व्यवस्था है, और उनसे लेटरिंग साफ करवाई जाती है ऐसी समाज के उस स्कूल के अंदर बच्चों से, आप देख सकते हो। तो उस पर जब इन्होंने एफआईआर करे उसके बाद क्या हुआ, आप अभी हम बताएंगे, अब अच्छी तरीके से बताएंगे। लेकिन साथियों फिर और क्या कहा ये बताओ मेरे को, और क्या नाम, फिर वो क्या नाम, जो हेडमास्टर को इनको समझाने की बोली, तो गांव वाले आए, गांव वाले के दो बंदे आए, वो बोल रहे क्या नाम गोली मार देंगे, वो कर देंगे, बोल रहे हड्डियों की चमारों की टीसी ले जाओ काट के। समझ सकते हो आप कि दबंग बना गुंडे भी रखते हैं स्कूल के अंदर, स्कूल के अंदर गुंडे भी रखते हैं, बच्चों पर जो शिक्षा के लिए आते हैं उनको गुंडाई दिखाई जाती है, छोटे छोटे बच्चों को, और लड़कियों को क्या बोलते हो भी बताओ, लड़कियों को मुर्गा बनाते हैं, जब तक बोलते हैं अंडा नहीं देगी जब तक स्कूल में मत बैठी हो, कैसी व्यवस्था है। हमारी बच्चियों को, नारी हमारी बच्ची नुकर अंडा नहीं देगी जब तक मुर्गी बने रहो, ये शिक्षा दी जाती है सिकराई में। ममता भूपेश जी आप बाल विकास मंत्री हो, कहां सो रहे हो, और बकायदा ये भाई बताएगा कि थाने में किस प्रकार ममता भूपेश जी किनकी मदद कर रही है, ये बताएंगे अभी, बताओ किस प्रकार मदद कर रही है। हम गए ममता भूपेश के पास में, हाँ। तो हमने बोला क्या नाम है, हमारे वो क्या नाम बच्चों के साथ में उल्टा सीधा करते हैं, वो स्कूल में लैटरिन वैटरिन सफाई कराते हैं, छुआछूत करते हैं। ममता भूपेश ने बोला क्या नाम है, ममता हमने बोला इनसे, ममता भूपेश से हमसे चमार हमार कहते हैं बच्चों से, बोला चमार तो हमसे ऑफिस में आके हमसे भी कह देते चमार, हम क्या उनकी गर्दन थोड़ी काटे, उन्हें मार मार थोड़ी देंगे उन्हें। पीड़ित जो मंत्री है, मंत्री महोदय ममता भूपेश जी के पास में जाते हैं, एक न्याय की गुहार लगाते हैं कि हमें न्याय चाहिए, आप हमारे समाज की जनप्रतिनिधि, आप मंत्री हैं, एक न्याय की आस लेकर के मंत्री जी के पास जाते हैं, उनके समक्ष उनसे भेंट करते हैं, उनसे कहते हैं कि मंत्री महोदय हमारे साथ ये घटना हुई है, ये पीड़ित है, यह हमारी पीड़ा है कि हमारे साथ स्कूल के अंदर इस तरीके से भेदभाव किया जाता है, बंतर जो बर्तन छू लिया, खाने का बर्तन छू लिया तो 11 रुपए जुर्माना, खाना खाने का जो बर्तन छू लिया तो 11 रुपए जुर्माना, वहां तक गटर तक साफ करवाया जाता है, शर्म आने की बात है, स्कूल का गटर तक साफ करवाया जाता है, वह स्कूल है वो स्कूल है क्या? और ममता भूपेश जी आपकी नाक के नीचे, और आपने क्या कहा,
जब आपके पास में ये बच्चे आकर के आपसे शिकायत करी, थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, इनको न्याय नहीं मिला, आपके पास आए, आप मंत्री बन के बैठी हैं और आपके समक्ष आकर के इन्होंने कहा कि स्कूल के अंदर हमें चमार चूड़ा कहा जाता है, तो आपने क्या जवाब दिया कि चमार तो हमें भी बोलते हैं, हम क्या करें, उसकी गर्दन काट दे क्या? आप मंत्री हैं, आपको बोलते हुए शर्म नहीं आई? आपको अपने आप को आप मंत्री कहती हैं, किस बात के मंत्री हैं आप? बड़े ही शर्म की बात है क्या आप राजस्थान की मंत्री कहती हैं, महिला बाल विकास मंत्री, बहुत बड़ा नाम है आपका, बहुत बड़ा ओहदा है आपका राजस्थान की राजनीति में, लेकिन आपकी नाक के नीचे ऐसी हरकत होती है बट आप उसको न्याय नहीं दिला सकती। फिर उसके बाद में सर, जब ममता जी भूपेश ने जब शपथ ली थी उससे मंत्री बनते ही सबसे पहले मैडम साहिबा आपने ये कहा था, मैं अपने जाति के लिए काम करूंगी, सबसे पहले मैं अपनी जाति के लिए काम करूंगी। मैडम आपने कितना जाति के लिए काम किया क्या आप आंकड़े बता सकती है मेरे को? हमने आपको वोट दिया है, क्या इन वोटरों को अधिकार नहीं है आपसे जानने के लिए? हमारे ही विधानसभा में एक जगसायपुरा गांव में जो जनरल कास्ट के लोग हैं इन बच्चों से एक क्रूरता वाला व्यवहार करते हैं, क्या आपको शर्म नहीं आई? आपने समझौते के लिए इनको बुलाया और आपने क्या कहा था कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर लो, किस लिए कॉम्प्रोमाइज कर लो? क्या इनको इनके अधिकार के लिए बोलने का अधिकार नहीं है? मैडम साहिबा शर्म आनी चाहिए आपको, कम से कम आप मंत्री हैं और वो भी बाल विकास मंत्री, तो आपको अपने छोटी छोटी बच्चियों को ये बता रहा है भाई कि मुर्गा बना के रखते, जब तक अंडा नहीं दोगी तब तक आप क्लास में नहीं बैठ सकती, क्या है ये? क्यों मैडम साहिबा, हमने वोट दिया है, आप क्या इतना नहीं कर सकती हमारे लिए? मैडम साहिबा अरे तुमसे पद नहीं संभाला जा रहा है बाल विकास मंत्री का, तो छोड़ दो ना, इस्तीफा दो, बिल्कुल इस्तीफा दीजिए, जब आपकी बचकी नहीं है संभालना इसको तो छोड़ दो ना। और आप मलाई खाने के लिए बैठ रहे हो तो बाबा साहब की वजह से आपने मलाई मिली है, अरे कौन आपको मार रहा है? आप क्यों नहीं आवाज उठाती? अरे दूध पीते हैं बच्चे और उसको भी गिलास को घर से मंगाया जाता है कि कहीं ये आपस में गिलास ना आपस में एक दूसरे के पलटा के ना जाए, इतना छुआछूत है। अरे टोक के अंदर एक माता मर गई थी, उसकी लकड़ियां उठा के फेंक दी, ऐसी समाज की। ये किस वजह से हो रहा है? ये इन टीचरों की वजह से हो रहा है जिनको आज खुद ममता भूपेश जी बचाने का काम कर रही है। तीन जनों ने जो अफायर कराई थी, दो जनों को जानबूझकर जबरदस्ती पुलिस का दबाव बनाकर खुद ममता भूपेश जी ने जबरदस्ती उनको साइन करवा लिया राजीनामा के लिए। लेकिन ये लड़का डरता नहीं है, इसने कह दिया गर्दन गड़ जाए, लेकिन झुकने मंजूर नहीं है मेरे को, झुकना मंजूर नहीं है मेरे को। इन्होंने कहा कैसी व्यवस्था है, और आप ये आम लड़का न्याय की गुहार मांगने कहां कहां भटक रहा है? घर नहीं जा रहा, क्योंकि घर चला जाएगा तो वो दबाव बनाएंगे और पूरा गांव। हम किसी जाति विशेष की बात नहीं करते, हम मानसिकता की बात करते हैं। वो मानसिक लोग जानबूझ के राजीनामा कराने का काम करा रहे हैं। क्यों भाई, जब इतना बड़ा गुनाह उन्होंने किया है आपने उनको ट्रांसफर करवा रहे हो, क्यों भाई? उनकी नौकरी बचा रहे हो? अरे उनकी मानसिकता बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, क्योंकि मानसिकता वो की वो ही रहेगी। जब तक उनको दंड नहीं मिलेगा मानसिकता नहीं बदलेगी। और आप तो बाल विकास मंत्री, टेलीविजन पे आके बोलो ना, जातियां तो जानवरों में होती है, कुत्ता बिल्ली घोड़ा गाय, क्यों नहीं बोलती आप? किस बात का डर लगता है आपको? कुर्सी चाहिए? अरे जानवरों से भी बुरी जिंदगी है, अपने लिए जीना तो, अरे जियो तो समाज के लिए जियो। इन बच्चों के देखो, छोटा सा बच्चा है ये, क्या बिगाड़ा था इन लोगों ने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज एक एट्रोसिटी हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ममता जी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, अगर इनको न्याय नहीं मिला तो ये झुकने वाले नहीं है। आपको तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा, अगर इन बच्चों को न्याय नहीं मिला तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। और इसके अलावा आपके साथ और क्या बात हुई? आप थाने गए? थाने गया हाँ।
थाने हमने सब कम से कम 40-50 आदमी गए थे हम गवाह दी। गवाह देने के बाद में क्या नाम है हम वापिस आए। वापिस आने के बाद में क्या नाम है ऐसे गांव की मीटिंग हो रही थी तो गांव वाले ने हमारे ऊपर दबाव बनाया भाई फैसला कर लो वो है वो है फलाना डिमका है। मतलब कि जो एक मजदूर वर्ग है मजदूर वर्ग है वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है वो कितना बोल सकता है कितना जानता होगा लेकिन इन चंद चालाक लोगों ने साजिश के तहत इन लोगों को बोलने भी नहीं दे रहे जानबूझ के गांव का दबाव बना रहे हैं ताकि ये बैन। और एक चीज और पुलिस वालों ने जबरदस्ती गहलोत सरकार को कहना चाह रहा हूं मैं आपकी ये पुलिस आपके ऊपर है ममता जी तो दोषी है साथ में गहलोत जी आप भी हो पुलिस वाले जानबूझ के दबाव बना रहे हैं इनके ऊपर कि आप लोग जो उनका जो बयान लिया गया दो बच्चों का जानबूझ के उनको पकड़ लिया गया और उनसे दबाव बनाया गया क्या कि आप लोग ने जो बोला वो गलत बोला है झूठ बोला है और जबरदस्ती साइन करवा लिए गए लेकिन इन्होंने बयान नहीं दिया। आज आपके सामने ये इस लड़के ने पूरा गवाह दे दिया है क्या से हुआ क्या नहीं हुआ और जब टेस्ट किया गया उसके अंदर भी यश प्राप्त किया गया और SC ST एक्ट जो लगा है उसके अंदर तुरंत गिरफ्तारी होती है जो अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई। CO साहब ने यह भी बोला बताया कि अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो आपके उन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। हाँ बोला था ये तो SC ST में मामला दर्ज है। हाँ डिप्टी है इसमें। हाँ साथियों इस मामले के अंदर जो CO साहब है जो जांच अधिकारी है उनके कथन सुनिए आप कि अगर इस मामले को लेकर के आपने धरना प्रदर्शन किया आपने कहीं आंदोलन किया धरना प्रदर्शन किया तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा आपको आंदोलन नहीं करने देंगे। क्या ये पुलिस वाले ये प्रशासन ये हमारे आंदोलन हम करेंगे या नहीं करेंगे ये कौन होता हमारे अधिकार छीनने वाला हमारी अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने का। बड़े ही शर्म की बात है ममता भूपेश जी आपकी नाक के नीचे आपकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जगसायपुरा गांव में जो घटना घटी है आपको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने का काम करना चाहिए लेकिन आप जो काम कर रही हैं वो उल्टा कर रही हैं। टोंक जिले के गाता गांव की जो घटना थी एक मृतक जो महिला जिसका दाह संस्कार तक नहीं होने दिया था उस महिला आप महिला व बाल विकास मंत्री हैं आप लेकिन आपने वो मामला 22 दिसंबर को टोंक जिले के अंदर एक रैली के रूप में प्रदर्शन हुआ 14 जनवरी को अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ लेकिन उसके बाद भी आज भी जो गाता गांव की जो घटना है उस घटना में जो पीड़ित परिवार है वो आज भी पीड़ित है। अरे मृतक महिला उसने क्या किसी का क्या बिगाड़ा था जिसका दाह संस्कार तक नहीं होने दिया लोगों ने जो जातिवादी मानसिकता जो लोग पाल के बैठे हैं उन लोगों ने दाह संस्कार नहीं होने दिया। बकायदा सबूत है थाने में गए डिप्टी CM से मिले CM के पास गए अधिकारियों तक सबके पास गई जो टोंक जिले का जो जिला अध्यक्ष है लक्ष्मण जाट उसके खिलाफ कोई मामला नहीं कोई कार्यवाही नहीं। आप महिला व बाल विकास मंत्री है बड़े ही शर्म की बात है कि आप जैसी मंत्री के होते हुए हमारे समाज को सिर झुकाना पड़ रहा है इन जातिवादी की मानसिकता वाले लोगों के आगे गर्दन झुकानी पड़ रही है। आप जैसे मंत्री होने के बाद भी बड़े ही शर्म की बात है ममता भूपेश जी। बाबा साहेब ने कहा था मुझे मेरे ही लोगों ने धोखा दिया
आज अगर वो चीज वो बात अगर होती है तो वो बात इस जगह सिद्ध होती है। प्रवीण भाई ने लिखा है कि मंत्री की क्या कमी है, मंत्री करवाती है क्या ये भेदभाव, आपने क्या किया अपने स्तर से, हमारे ऊपर तो नहीं होते अत्याचार, आदमी खुद की वजह से कमजोर होता है। लेकिन प्रवीण भाई एक बात मैं कहना चाहूंगा आपसे, उस क्षेत्र की विधायक और राजस्थान की मंत्री हैं, अब जब मुद्दा आपके सामने आया है तो क्या मुद्दे में क्या पीड़ित को न्याय दिलाने का काम क्या मंत्री का नहीं है, मुझे एक बात बता दीजिए, क्योंकि वोट आपने आपके मंत्री को वोट उसी जनता के मिले हैं। उसी जनता के वोट मिले हैं और उसी वोटों को लेकर के वह मंत्री बनी है और उनका दायित्व उनका कर्तव्य होता है कि पीड़ित की सुने, उसको न्याय दिलाने का काम करें, ना कि इस तरीके के शब्द कहे कि हमको भी चमार कहते हैं तो क्या गर्दन काट दें। आप मंत्री हैं उस क्षेत्र की, आप विधायक हैं, हमें गर्व होता है कि हमारे समाज का विधायक है, हमारे समाज का मंत्री है, जनप्रतिनिधि है हमारा, हमारा हमारा बड़ा गर्व, सीना चौड़ा हो जाता है गर्व के हमारे के नहीं।